स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉप टीचर्स एकेडमी में। आपको बता दें कि JSSC डिफेंस जोन YouTube चैनल का नाम चेंज करके टॉप टीचर्स एकेडमी रख दिया गया है। आज है 21 नवंबर 2020 और 21 नवंबर 2020 से करंट अफेयर के लिए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, अगली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, नवनिर्वाचित 17वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर किसने शपथ ली है? नवनिर्वाचित 17वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जीतन राम मांझी के द्वारा बिहार के मंत्रिमंडल में शपथ लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इन्होंने यह शपथ जो है वह 19 नवंबर 2020 को शपथ लिया है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पटना के राजभवन में शपथ दिलाया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री के रूप में रेणु देवी ने शपथ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती कब मनाई जाती है? इसके चार ऑप्शन दिए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 नवंबर। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था, इसी कारण 19 नवंबर को इनका जन्मदिवस मनाया जाता है। ये भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर रह चुकी हैं। इनका पहला कार्यकाल 1966 से 1977 तक और दूसरा कार्यकाल 1980 से 1984 तक रहा है। इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर भारत के विकास के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पूर्व राजाओं की पेंशन जिसे प्रीवी पर्स के तौर पर जाना जाता था इन्होंने समाप्त किया है। इसके साथ ही इन्हीं के कार्यकाल में 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लागू हुआ था। इंदिरा गांधी की मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व शौचालय दिवस जो है वह 19 नवंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित वैक्सीन निर्माताओं में से किसने यह दावा किया है कि कोविड-19 वैक्सीन 95% प्रभावी है? वैक्सीन निर्माताओं में से किस कंपनी ने यह दावा किया है कि उनके द्वारा बनाई गई वैक्सीन जो है वह 95% तक प्रभावी है? इसके चार ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइज़र। फाइज़र कंपनी के द्वारा बनाया गया कोविड-19 के लिए वैक्सीन जिसका नाम BNT162B2 है वह 95% प्रभावी पाया गया है। यह वैक्सीन जो है वह फाइज़र और बायोएनटेक के द्वारा विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर ₹2000 का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्ति को ₹2000 का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए यह जरूरी कदम उठाया गया है। दिल्ली वासियों द्वारा मास्क लगाने के लिए बरती जाने वाली लापरवाही को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल के द्वारा यह घोषणा 19 नवंबर 2020 को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पाकिस्तान सहित 12 देशों के आगंतुकों को विजिट वीज़ा जारी करने से अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा पाकिस्तान सहित 12 देशों के आगंतुकों को विजिट वीज़ा जारी करने को लेकर अस्थायी वीज़ा निर्माण को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि इन देशों के नागरिकों को पहले से जारी किए जा चुके वीज़ा या आवेदन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यूएई सरकार के ये नियम जो है वह पाकिस्तान के अलावा टर्की, ईरान, यमन, सीरिया, इराक, सोमालिया, लीबिया, केन्या और अफगानिस्तान पर लागू होंगे, जो कुल 12 देश हैं। इसके साथ ही अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि संयुक्त अरब अमीरात अपने वीज़ा की कितनी कैटेगरीज पर यह प्रतिबंध लागू करेगा। संयुक्त अरब अमीरात जो है वह बिजनेस, टूरिस्ट, ट्रांजिट और स्टूडेंट के लिए वीज़ा जारी करता है। नेक्स्ट है, भारत को अपना नौवा बोइंग P-81 निगरानी विमान किस एयरोस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोइंग। बोइंग के द्वारा भारत को अपना नौवा बोइंग P-81 निगरानी विमान एयरोस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है। इससे भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। इस निगरानी विमान को लंबी दूरी के पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध के साथ साथ खुफिया निगरानी और टोही मिशन के लिए खास तौर पर बनाया गया है। भारतीय सेना ने वर्ष 2017 के डोकलाम युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल किया था। इस नए P-81 विमानों को दुश्मन देश के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने में इससे सहायता मिलती है और इसे नई तकनीकों एवं हथियारों से लैस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की अदालत ने JUD चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सज़ा सुनाई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी न्यायालय ATC ने 19 नवंबर 2020 को JUD चीफ और 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को आतंकी फंडिंग से जुड़े दो मामलों में 10 साल के कैद की सज़ा सुनाई है। हाफिज सईद को इस साल फरवरी में 11 साल की सज़ा जो है वह सुनाई गई थी। इस समय वह लाहौर की उच्च सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में बंद है। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2020 को भारत के मुंबई शहर में एक ताज होटल है, वहाँ पे आतंकवादी हमले हुए थे जिससे कई लोगों की जान गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सरकार को विवाद से विश्वास स्कीम के तहत कुल कितनी कर राशि प्राप्त हुई है? सरकार को विवाद से विश्वास स्कीम के तहत कुल जो है वह 72,480 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। केंद्र सरकार को अब तक विवाद से विश्वास नामक प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना के माध्यम से 45,855 मामलों में 72,480 करोड़ रुपए की कर राशि जो है वह प्राप्त हुई है। इन मामलों से आयकर विभाग द्वारा मांग की गई कुल आयकर राशि लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपए है। यह प्राप्त राशि प्रारंभिक अनिवार्य भुगतान है जो ऐसे करदाताओं द्वारा किया जाता है जिन्होंने विवाद से विश्वास योजना का विकल्प चुना था, क्योंकि शेष भुगतान 31 मार्च 2021 तक किया जा सकता है। हालांकि सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण इस कर भुगतान के लिए समय की जो अवधि है वह बढ़ा दी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में किस मामले में केंद्र सरकार के लिए संबंध राज्य की सहमति को अनिवार्य कर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीबीआई क्षेत्राधिकार। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में सीबीआई क्षेत्राधिकार के मामले में केंद्र सरकार के लिए उससे संबंधित राज्य की सहमति को अनिवार्य कर दिया है। जस्टिस बी आर गवई और ए एम खानविलकर की पीठ ने सीबीआई के कामकाज को नियंत्रित करने वाले डीएसपी दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 5 और 6 का उल्लेख करते हुए यह कहा है कि यह देखा जा सकता है कि भले ही धारा 5 और 6 केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हों, किंतु किसी राज्य में डीएसपीई सदस्यों को शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की अनुमति है, लेकिन जब तक संबंधित राज्य उसे इस बात की इजाज़त नहीं देता है, सहमति नहीं देता है, तब तक केंद्र सरकार को यह अनुमति भी नहीं दी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीबीआई क्षेत्राधिकार। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई क्षेत्राधिकार के संबंध में राज्यों के पक्ष में यह फैसला सुनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका राइट आंसर होगा गोवा। गोवा की पूर्व राज्यपाल जो काफी लंबे समय तक गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रही थी, उनका हाल ही में 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इससे पूर्व पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का भी निधन हो गया है, जिन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट है, गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए किस राज्य सरकार ने देश की पहली गौ कैबिनेट बनाने की घोषणा की है? गौ कैबिनेट बनाने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए देश की पहली गौ कैबिनेट गठित करने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत पशुपालन, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा जयंती किस तिथि को मनाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 नवंबर। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है। बिरसा मुंडा एक आदिवासी क्रांतिकारी थे, जिनका जन्म 15 नवंबर 1975 ईस्वी को झारखंड के उलिहातू ग्राम में हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उनके बलिदान और योगदान को याद करने के लिए उनकी जयंती को राज्य भर में झारखंड में मनाया जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस पर झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को की गई थी। ये एक बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे जो मुंडा जनजाति से संबंधित थे। इन्हें धरती आबा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स और नासा ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को पहले ऑपरेशनल मिशन पर अंतरिक्ष में भेजा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस एक्स और नासा ने ऑपरेशनल मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजा है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2018 के आधार पर किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2018 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात है। लिंगानुपात का आंकड़ा 1084 है। सबसे कम लिंगानुपात जो है वह मणिपुर में 776
57 है। लिंगानुपात में प्रति 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं इसका आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीदरलैंड। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से भारत के भी 2-3 व्यक्ति इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज के रूप में कार्य कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च न्यायिक संस्था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वह हेग नीदरलैंड में स्थित है। इस न्यायालय के 4 वर्तमान सदस्य जापान, चीन, स्लोवाकिया और युगांडा के न्यायाधीशों को फिर से चुना गया है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और यहाँ की मुद्रा जो है वह यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने पिंसर उत्प्रेरक प्रणाली विकसित की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, IIT गुवाहाटी के द्वारा पिंसर उत्प्रेरक खोजा गया है जो औद्योगिक और बायोमास कचरे को मूल्यवान रसायनों के रूप में बदल देगी। इन पिंसर उत्प्रेरक की छोटी मात्रा बार बार बड़ी मात्रा में औद्योगिक अपशिष्ट जैसे ग्लिसरॉल को लैक्टिक एसिड और हाइड्रोजन में बदल देती है। औद्योगिक रूप से लाभकारी रसायनों में बायोमास के प्रसंस्करण के दौरान उत्पादित ग्लिसरॉल और इथेनॉल जैसी मध्यवर्ती के रूपांतरण ने दुनिया भर में बहुत रुचि प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने आपातकालीन उपयोग सूचियों में NOPV2 वैक्सीन टीका जोड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपातकालीन उपयोग सूचियों में NOPV2 वैक्सीन टीका को जोड़ा है। WHO की स्थापना जो है वह 1 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसके द्वारा इस टीका को इंडोनेशिया के बायोफार्मा द्वारा NOPV विकसित किया गया है। यह वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस स्ट्रेन का इलाज करने के लिए बनाई गई है। यह अफ्रीका और पूर्वी मध्य सागरीय देशों में 2010 और 2019 के बीच वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस के बढ़ते मामलों के कारण विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिखी गई पुस्तक How to Be a Writer के लेखक कौन है? How to Be a Writer के लेखक रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड जो है वह जाने माने अंग्रेजी लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग ने किस एक्टर को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। इसके साथ ही इन्हें स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से भी नवाजा गया था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।